हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेहान मदर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि फास्ट के लिए साबूदाना के बड़े। ये देखिए, मैंने एक बाउल लिया है और ये मैंने साबूदाने 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिए थे और ये अच्छे से भीग चुके हैं। मैंने ये 1.5 कप लिया था और अब इनको अच्छे से जब धो के और फिर भिगो दिए थे, ये देखिए मेरे खिले खिले अच्छे से सारे साबूदाने फूल चुके हैं। अब हम थोड़े से साबूदाने 1 कप के हिसाब से अलग कर लेंगे। देखिए, इनको मैंने अलग कर लिया है। इनको हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इनको पीस लेंगे। देखिए, मैंने पीस लिया। ये थोड़ा चिपचिपा सा वो डो बन जाता है जिससे कि बाइंडिंग करने में हमें दिक्कत नहीं आती और इससे बहुत ही टेस्टी और करारे बनते हैं। इनको हम अच्छे से इन साबूदानों में मिक्स कर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखना, बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं। ये मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा। आप इसकी जगह कोई भी कुट्टू का आटा या फिर जैसे जो हम सामक रखते हैं उसको भी पीस के उसका आटा भी बना सकते हैं। ये मैंने मिला लिया है। अगर आप मूंगफली का आटा भी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमें इसमें पानी कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये मैंने 3 से 4 आलू बॉईल कर लिए थे। इनको भी हम घिस के या अच्छे से मैश करके डाल सकते हैं। मैं इनको कद्दूकस करके डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने इन सब आलुओं को ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। ये मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें मैंने डाले हैं 2 से 3 हरी मिर्ची और हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक और काली मिर्ची स्वाद अनुसार। अगर आप इसमें जीरा या धनिया साबुत ऐड करना चाहें तो कर लीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और एक आटे की बाइंडिंग देंगे। जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे इसको अच्छे से मिक्स करना है। इनको सबको देखिए, हरी मिर्ची और हरा धनिया अगर आप फास्ट में नहीं खाते हैं तो मत ऐड कीजिए, ये ऑप्शनल है। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है और एक आटे का डो बना लेना है। ये देखिए, हमारा एक आटा तैयार हो गया, जैसे डो बनता है वैसे ही। और इसको हम 5 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बाइंडिंग आ रही है। ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है ताकि जब मैं इनके बड़े बनाऊं तो हाथ पे चिपके नहीं। थोड़ा सा घी लेके ऐसे हाथों पे लगा लेना है। इसको राउंड राउंड शेप में देना है और ऐसे थोड़ा सा चपटा बना लेना है। इसमें क्रैक नहीं छोड़ने, नहीं तो ये फट जाएंगे। ऐसे तरीके से देखिए कितने अच्छा और अच्छे से बाइंडिंग बन गई है। तो ये इसको अच्छे से ऐसे राउंड शेप में हमें सारे बड़े अपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, जैसे आपको लगे कि हमारा चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी और लें और लगा के दोबारा बना लें। ऐसे ही हमें सारे बड़े अपने तैयार कर लेने हैं राउंड शेप में, या फिर आप डोनेट शेप में, जैसे मैंने एक बनाया भी था बीच में ये जो होल सा करके, वो भी बना सकते हैं। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है और जो बड़े हमने बनाए थे वो सारे बड़े हम इसमें छोड़ देंगे एक एक करके। ये देखिए, मैंने सारे बड़े इसमें डाल दिए हैं। इस टाइम हमें तेल को अच्छे से गरम करके और मीडियम फ्लेम पे कर लेना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना है वरना हमारे बड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें इसको धीमी आंच पे सेकना है। हमारे बहुत ही करारे और अच्छे बड़े बन के तैयार होंगे। ये देखिए, हल्के गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। इनको हम और पलट पलट के सेकेंगे ताकि जो नीचे से सिक जाए उनको दोबारा पलट दो तो ऊपर वाला हिस्सा भी सिक जाएगा। ये देखिए, हमारा ब्राउन हो चुका है। ये देखिए, हमारे हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं बड़े। हम इनको एक छलनी में ऐसे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए।
ऐसे ही हम अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। ये दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है इसमें। इनको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे हम किसी भी चीज़ के साथ, धनिया जैसे जो हम फास्ट में खाते हैं उसी चटनी के साथ खाइए। जैसे हरा धनिया, हरी मिर्ची की चटनी बना लीजिए। देखिए जब तक हमारे बड़े फ्राई होते हैं तब तक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। कि बाय बाय टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।